जैसा कि हम सब जानते हैं कि कान हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम सुन सकते हैं और हमारे दिमाग के यह सबसे ज्यादा नजदीक भी होता है। यदि हमारे कान में कोई परेशानी होती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ तक कि हमें असहनीय दर्द भी होता है। हमारे कान के छेद खुले रहते हैं जिससे उसमें धूल और मिट्टी भी चली जाती है और धीरे धीरे उसमें मैल जमा होने लगता है जिसे हम निकालते रहते हैं समय समय पर। दोस्तों, हम इस मैल को अगर साफ नहीं करते तो हमारे कान में बहुत प्रकार के रोग होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए नियमित तौर पर हमें अपने कानों की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी खास प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में शायद ही कोई बात नहीं करता। अगर मान लीजिए कि आपके कान में किसी कीड़े ने प्रवेश कर लिया हो तो क्या होगा? दोस्तों बता दें, जब हमारे कान में किसी कीड़े का प्रवेश हो जाता है तो हमें ये बहुत ज्यादा परेशान और असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। कान में कीड़ा जाना एक ऐसी परेशानी है जिसे हमें तुरंत इलाज की जरूरत होगी। यदि तुरंत इलाज ना मिले तो यह कीड़ा हमारे कान में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कान में कीड़े के जाने के बाद आपको क्या क्या उपाय करना है? अगर मान लीजिए आपके कान में कीड़ा चले गया तो आपको कान ऊपर की तरफ रखना है। ऐसा करने से कीड़ा अपने आप ऊपर आ जाता है और सीधे कान से बाहर चला जाता है। अगर हो सके तो कान में सूरज की रोशनी जाने दें जिससे कान में घुसने वाला कीड़ा रोशनी देखकर बाहर आ जाता है। वैसे तो बता दें कि कान में सरसों का तेल या जैतून का तेल गर्म करके डालने पर कीड़ा तैर कर बाहर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो ऐसे में सबसे पहले आप डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें और यदि आप कीड़ा बाहर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे छोटी चिमटी से पकड़कर आप बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कीड़ा नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे में आप ज्यादा परेशान ना हो, सीधे तौर पर जाकर डॉक्टर से संपर्क करें। नहीं तो अगर आप ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो क्या पता वह कीड़ा आपके कान के पर्दे तक भी पहुंच सकता है। इससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।